बैटल का समय आ गया है, टाइम फॉर द एंड गेम। अब कुछ भी करके हमें जीतना है, व्हाटएवर इट टेक्स। इस समय आप सभी चाहते हो कि कैसे भी करके अच्छे नंबर आ जाएं, या मेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। इस टाइम बच्चे कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स से कैसे निकलना है, कैसे अपने इस टारगेट को अचीव करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। जितनी भी बातें करेंगे अपने दिल से करेंगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। इस टाइम जब आप पढ़ने बैठ रहे होंगे, एक नई शुरुआत करने बैठ रहे होंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपका वो थॉट कि यार साल भर क्यों नहीं पढ़े, काश मैं पहले पढ़ लेता, मैंने इतना समय वेस्ट क्यों कर दिया। इसको बोलते हैं पछतावा, रिग्रेट। अभी आपके पास रिग्रेट करने का समय नहीं है, अभी आपको यूज करनी होगी एंटी रिग्रेट थ्योरी। बड़ा भारी नाम है, एंटी रिग्रेट थ्योरी। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने पहले भी कई बार ये बताया कि अब टाइम को टी इज इक्वल्स टू जीरो सेट कर लें, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम करते हैं कि सवाल यहीं से शुरू हुआ है, इसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, कहानी यहीं से शुरू हुई है, सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो। आप पीछे देख रहे हो कि मैंने कितने घंटे पबजी में वेस्ट किए, कितने घंटे उस लड़के के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर में वेस्ट किए। नेवर लुक बैक अनलेस यू वॉन्ट टू गो दैट वे। आप उस चीज के बारे में सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उधर ही खींचा ले जाएगा। नेवर लुक बैक अनलेस यू वॉन्ट टू गो दैट वे। सर मैं ये नहीं था, ये मैं क्या बन गया सर। देखो कभी ये मत भूलना, व्हाट वर यू मेंट टू बी। तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, उस चीज को मत भूलना। यू कैन नॉट डाई एज एन अनसक्सेसफुल पर्सन। ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे सर समय नहीं बचाया, हो नहीं पाएगा। तो साहब बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो रखे हैं इसी दुनिया में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके बाद आती है बात कि ठीक है सर रिग्रेट खत्म हुआ, अब हमें चाहिए एक बढ़िया प्लान। कौन देगा प्लान? प्लान तुम बनाओगे, अपनी कैपेबिलिटीज तुम जानते हो, अपना एम तुम जानते हो, तुम्हारी तैयारी कितनी कम कितनी ज्यादा ये तुम जानते हो। यहां से प्लान तुम बनाओगे कि 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन मैथ्स, या 4 दिन जो भी टारगेट्स हैं, कि सुबह से शाम ये पढ़ना है, दोपहर में ये, रात में ये। सर वो तो बन जाता है, फॉलो नहीं। क्यों नहीं फॉलो होता पता है? इसके बारे में ग्रेट एडमिरल बोलते हैं, जो कि 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, आपने शायद टर्मिनेटर मूवी में उनको देखा। वो कहते हैं देयर शुड बी नो प्लान बी। हम लोग ना हमेशा दिमाग में प्लान बी बना लेते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो ऐसे कर। आप जो अपना प्लान बनाते हो ना कि 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, या 1 दिन अगर नहीं हुआ तो इसको एक्स्ट्रा यहाँ मैनेज कर लेंगे, करते हो ना, 1 दिन एक्स्ट्रा रख लेते हो बीच में, या कोई बात नहीं आज नहीं पढ़ पाए तो कल इसको कवर कर लेंगे। देयर शुड बी नो प्लान बी। जो प्लान बी होता है ना, वो प्लान ए से एनर्जी खींच लेता है और प्लान ए को वीक बना देता है। देयर शुड बी नो सेफ्टी नेट। नेट बना लेते हो, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। There should be no safety net। आपको डर होना चाहिए गिरने का, तभी आप उस लाइन पे चलते रहोगे। आपको पता है नीचे कोई पकड़ने वाला नहीं है, तब आप उस पतली सी रस्सी पे ना एकदम बैलेंस बना के चलते रहोगे। Your life should be at risk at this moment। बात सवाल आता है सर क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है। जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है वो रिवाइज करेगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर लगाए। फिर से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे बोर्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट। आप टालते रहोगे, सुबह सोचोगे शाम को पढ़ लेंगे, शाम को सोचोगे कल शुरू करते हैं, और फिर वो गया। तो ये तरीका होता है लंबे लंबे टाइम तक पढ़ने।
अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इससे कि अब आप एक सॉन्ग चुन लो अपना नेक्स्ट 30 डेज 40 डेज 50 डेज के लिए, अपना एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो जिससे आपको एनर्जी मिले। और मैं नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, इस टाइप का सॉन्ग मैं आपको बड़ा ही यूनिक और एग्रेसिव सॉन्ग बता रहा हूं। आरंभ है प्रचंड, गुलाल मूवी का है, सुन लोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून बन जाए। मैं 4-5 लाइन आपको बता देता हूं उसकी। मन करे तो प्राण दे, मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, यानी उसके सिवा किसी से नहीं डरना है। ये सब ज़्यादा छोटी चीज है। मन करे तो प्राण दे, मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, भागवत का सार है, भागवत मतलब गीता का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, वीर वही है जो युद्ध करे। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मैं आपको बता दूं कि कौरव हारे थे पर फिर भी वो महान है क्योंकि वो लड़े थे। समझ गए? मेरी सारी दुआएं, सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ। पढ़ाई करते रहो। All the very best.